गणेशोत्सवानिमित्त सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे, जिथे काही गणेश भक्तांकडून सामाजिक हित देखील जपले जात आहे. नवी मुंबईस्थित वाशी येथे राहणारे डी जे राजेश यांनी घरगुती गणपतीच्या माध्यमातून अवयवदानाचा संदेश दिला आहे. दरवर्षी ते सामाजिक विषयाला अनुसरून गणेशोत्सव साजरा करताना दिसतात. उत्सवानिमित्त बाप्पाच्या दर्शनासाठी त्यांच्या घरी मित्रपरिवार नातेवाईक आवर्जून येतात. अशा त्या सर्वांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून देत या सर्वश्रेष्ठ दानाविषयी सर्वांना जागरूक करण्याचे काम डी जे राजेश यांच्यामार्फत यंदा हाती घेण्यात आले आहे. ही संकल्पना तसेच लाडक्या बाप्पाचे आगमन सर्व काही आनंददायी असल्याची भावना डी जे राजेश यांनी व्यक्त केली आहे. ऑर्गन डोनेशन जो है आज के तारीख में बहुत नेसेसरी है सबके लिए. गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए, सब लोगों को मालूम पड़े. लोगों में कन्फ्यूजन है कि कोमा क्या होता है, ब्रेन डेथ क्या होता है. 90% जो होता है आज के तारीख में जो डोनेशन होता है वो ब्रेन डेड लोगों का होता है. ब्रेन डेड मतलब आपका दिमाग मर चुका है, आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं. फिर आप बोलोगे कि फिर बॉडी फिर भी कैसे जिंदा है, हार्ट कैसे जिंदा है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर वेंटिलेटर. जब तक वेंटिलेटर चल रहा है आपका हार्ट बीट चलता रहेगा, लेकिन मस्तिष्क मर गया है आपका, तो इसको ब्रेन डेड कहते हैं. तो ब्रेन डेड क्या होता है ये लोगों को समझाना है. और ब्रेन डेड आदमी से आप 8 लोगों की जान बचा सकते हैं, आपका लीवर, आपका किडनी, बहुत कुछ दे सकते हैं आप, लेकिन ये सब जब तक कि वो वेंटिलेटर चल रहा है. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा सह पंकज बेनवंश यांचा रिपोर्ट.